हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन अभी मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे वायरल फीवर हो गया, साथ में मेरा गला भी एकदम बैठ गया है, तो इसी वजह से बीच बीच में खांसी भी आ जा रही है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से। आप लोगों के लिए इसी वजह से लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं। आज थोड़ा सा गला ठीक हुआ है मेरा, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो टास्क के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, जिसमें थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूं। ओके, तो जैसे ही मेरा गला ठीक होता है फिर से आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगे। आप लोग परेशान ना होइए, अगर अभी भी आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आपको जो टास्क दिया जा रहा है इस टास्क को आराम से आप लोग कवर करिए। जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उन्हें कवर करिए, और बुधवार को यानी कि वेनेसडे को जो आपका टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन वाला, वो आकर के आप लोग आराम से अपेयर होइए। तो इस बार जो 21 अप्रैल वाला जो टेस्ट है ना, बुधवार को है, इसमें आपका पॉलिटी होगा और ये पॉलिटी का लास्ट टेस्ट है। तो हम लोगों का फर्स्ट राउंड चल रहा है इसका। अब जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा फिर उसमें हम लोग फिर से पॉलिटी देखेंगे। लेकिन आप 21 के बाद जब 28 को एक बुधवार आएगा, वहां से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, हिस्ट्री के हम लोगों के टेस्ट हुआ करेंगे, इसीलिए आपको अभी मैं हिस्ट्री का टास्क देता हूँ। तो हिस्ट्री का टास्क आपका कंप्लीट होगा और उधर आपके हिस्ट्री के जो आपके टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसीलिए आप लोग जो टास्क दिया जा रहा है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है, आप लोग टाइम पर कवर करते रहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए सारी चीजें। देखिए मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है और मेरे लंग्स में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा खांसी आने की वजह से, तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग पेशेंस रहिए थोड़ा सा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वीकली टास्क है, इस वीकली टास्क में ये ज्यादा लंबा नहीं था क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो यहाँ पर फिनिश होने वाली है, इसीलिए सिर्फ 4 दिन में ही इसको आप पूरा कवर कर लेना है आपको। और मेडिवल हिस्ट्री से यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर पीटी में भी देखेंगे, अगर हम आईएएस की बात करें तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप लोग अगर 2-3 साल का पीछे का ट्रेंड देखेंगे ना, तो यहाँ पर 1 या फिर 0 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो ग्रीन कलर से लिखा है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है दक्कन और दक्षिण भारत, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है बुक के ऊपर ही। ओके, और कौन सी बुक पढ़नी है, तो मेडिवल हिस्ट्री की आपको सतीश चंद्रा जो बुक है एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको उसके बारे में बता भी दिया था, आप लोगों के लिए पीडीएफ भी सेंड कर दिया, तो जिन लोगों के पास नहीं है पीडीएफ भी ले सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का अगर आप लोग बुक नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एशियंट हिस्ट्री और आप स्पेक्ट्रम और मॉडर्न हिस्ट्री की आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग इसकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको एक बार ऐसे स्टोरी की तरह पढ़ के निकल जाना है। ओके, तो जो मैंने रेड कलर से जो भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं वो आपको एक बार देख करके निकल जाए। जैसे मुगलों की विदेश नीति क्या थी, भारत जो 17वीं शताब्दी के पूर्वाध में कैसा था, उसकी कंडीशन कैसी थी, साथ में आप लोग देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर से लिखा है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और थोड़े थोड़े इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं। ओके, तो क्या होगा ना, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो शॉर्ट नोट्स उठाइए, एक क्विक रिविजन कर लीजिए। जैसे मुगल काल में आर्थिक और जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप लोग कंपेयर कर पाएंगे और उसका जो आलोचनात्मक परीक्षण होगा ना वो कर पाएंगे। जैसे उसमें पूछा जाता है कि मध्यकाल को अंधकार युग भी बोला जाता है, तो आप लोग जब उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन जानते होंगे तभी तो आप लोग मूल्यांकन कर पाएंगे ना, तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे समझना है। साथ में सांस्कृतिक और धार्मिक विकास क्रम है वो भी आपको देखना है कि किस तरह से भारत में बदलाव हुए, और संस्कृति का मिश्रण भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारी जो संस्कृतियां थी आपको देखने को मिलेंगी विलुप्त होने लगी और नई संस्कृति का विकास भी होने लगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, साथ में आपको देखिए जो रेड कलर से लिखा है ये आपको एक बार देख करके निकल जानी, मतलब एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है फिर निकल जाना है। यानी कि औरंगजेब और उसकी आंतरिक समस्याएं क्या थी, उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस थे जो फेस किए थे, वो आपको एक बार देखना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है और निकल जाना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य था वो अपने चरम पर पहुंच गया, कैसे पहुंच गया और किन कारणों से पहुंच गया और उसके पतन के क्या कारण थे, एक बार आपको देख लेने। यहाँ से मेंस से क्वेश्चन आ जाता है लेकिन पीटी में बहुत कम क्वेश्चन आता है। ओके, तो लेकिन स्टोरी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे फिर भी आप लोग बहुत आराम से पीटी का आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग पीसीएस का पेपर देते हैं या फिर लोअर का पेपर देते हैं तो आपको मेडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखिए पीसीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 से 4-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री से। ओके, तो पीसीएस अगर लोअर देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मेडिवल हिस्ट्री एक अच्छे से पढ़ना है। देखिए उसमें ये भी पूछ लेता है कि जो अकबर था उसके घोड़े का नाम क्या था। ओके, तो पीसीएस बहुत खतरनाक पूछता है, तो अप्रोच बनाने तो आईएएस के लिए, अगर फैक्चुअल पढ़ना है तो आप लोग पीसीएस लोअर के लिए, पटवारी के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है।
और आपको रिवीजन करना है पॉलिटी का, तो पॉलिटी का आपका जो रिवीजन चल रहा है जितना आप लोगों ने कवर कर लिया एक महीने से पॉलिटी में आपको रिवीजन करने के लिए दे रहा हूँ, और साथ में आपके टेस्ट भी चल रहे होंगे, तो आप लोगों ने आराम से दो तीन बार पॉलिटी रिवाइज कर ली होगी अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप लोग रिवाइज करिए। ओके, तो क्या होता है ना, इससे टाइम सेविंग बहुत होता है और आपका कंटेंट होगा आपके द्वारा लिखा गया होगा तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ में आपको न्यूज़पेपर है जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहिए। और देखिए मैंने भी आपको बताया था कि आप दो तीन महीने तक मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज दूंगा। देखिए मैं वो डेली मैं बनाता हूँ लेकिन उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जैसी गलत ठीक होगा मैं सारी जो न्यूज है ना एक साथ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और इस 21 अप्रैल को आप लोगों का टेस्ट आकर के आप लोग दीजिए। आप लोगों के पास अगर शेड्यूल नहीं है कि कौन से डेट को कौन सा टेस्ट है तो जिन लोगों के पास शेड्यूल नहीं है वो जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक या फिर फोटो सेंड कर दूंगा। ओके, तो आप लोग इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दो घंटे तक डेडिकेट होकर के एक टेस्ट दें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए ये बुधवार को जो वेडनेसडे को टेस्ट होता है ना, सभी लोग इसमें अच्छे से अपेयर हुए। अभी देखिए इंग्लिश में अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, लेकिन भविष्य में ये इंग्लिश में भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके, और साथ में आप लोगों के लिए देखिए बहुत सारे लेक्चर हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और अभी आपको लोगों के बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे भी जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक तरह से आपको गाइड करता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है, और एक सहयोग पर आधारित हमारा ग्रुप है जहाँ पर एक दूसरे का सब लोग सहयोग करते हैं और एक तरह से मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, तो मुझे टीचर ना समझिए, एक दोस्त की तरह एक कोच की तरह मुझे समझिए। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, और आपने जो भी डेडिकेटेड जो स्टूडेंट आपको लगते हैं, आपके दोस्त हैं, ओके, उन्हें किसी भी तरह की समस्या जैसे फाइनेंस की समस्या तो कोचिंग अटेम्प्ट कोचिंग जाकर के ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। ओके, तो सभी का लाभ होगा। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।